करूं भी तो क्या करूं मैं? पहले ही अभिमन्यु और मेरे बीच में इतने इतने प्रॉब्लम्स हैं और अब ये, उसे अपने आप से दूर भी तो नहीं कर सकता मैं। वो बेटा है मेरा, उसे प्यार करता हूं मैं, मगर इस फंक्शन में नहीं जाने वाला मैं, इस फंक्शन में नहीं जाने वाला ये तिलक हो या ना हो। क्या हुआ, कहाँ रह गए सबके सब? टाइम तो हो गया है। हाँ, मुहूर्त का समय भी होने वाला है। खाओ अभी, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, जल्दी आओ ना। डॉक्टर आनंद और पार्थ आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? नमस्ते आनंद जी, अभिमन्यु नहीं दिखाई दे रहा है, अभिमन्यु कहाँ है? जी वो अभिमन्यु, क्या हुआ कहिए ना। अंकल अभिमन्यु नहीं आया। नहीं आए। स्वागत नहीं करेंगे हमारा। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है। सॉरी अक्षु, एक बार तो यहां आने के लिए मना कर दिया था मैंने, पर फिर रुको अभिमन्यु, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ जाएगी फंक्शन में। लेकिन ये जो कुछ भी है अभिमन्यु और मेरे बीच में है, एक बाप और बेटे के बीच में, इसमें मां का कोई रोल नहीं है। सब वहां पे इंतजार कर रहे हैं, तुम तिलक में जाओगी अभिमन्यु के साथ। थैंक यू सर। आज एक बार फिर दोबारा आपने सर के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। नॉट डन मां, फिर से आपने नॉट डन। प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज मेरी मजबूरी समझना। तेरी मां होने से पहले मैं उनकी पत्नी भी तो हूं ना, और जैसे मेरी मर्जी के खिलाफ तू कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही
उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अब तो वो मान गए ना, प्लीज मुझे माफ करते हैं। अब चल, मेरे अभी और अक्षु का तिलक है और हमें देर नहीं करनी। ऐसे जाएंगे कि आंसू पोछिए। तो कैसा लगा हमारा मजाक? हाँ, वो तो अभिमन्यु ने जल्दी कर दी। अक्षु, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर आनंद सर को छुपा रहे हैं? हर्ष अंकल कहाँ है? हर्ष अंकल कहाँ रह गए? वो किसी काम में फंस गया था तो आ नहीं पाया। जी, मैं समझ सकता हूँ। क्या कह रहे थे तुम? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? स्वागत चाहिए? गोद में उठा के लेकर चलूं अंदर? रहने दीजिए बड़े पापा, अगर आपने मुझे गोद में उठाया तो फिर मुझे आपको गोद में उठा के अंदर लेके जाना पड़ेगा। देखिए, आज मेरा तिलक है, सारा टेंशन मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको अटेंशन मिले आज। अच्छा बच्चों, ये बात है। बेटा उम्र हो गई है लेकिन इतने भी कमजोर नहीं हुआ कि बच्चों को उठा ना सके। अंदर चलो, बताता हूँ। अरे बाप रे, देखिए तो जमाई साहब को अभी अंदर गया भी नहीं और धमका रहे हैं। अच्छा जमाई साहब, चलिए अंदर, चलिए आइए। कल बोल रही थी किसी से आज मिलोगी, पर अब छुप रही हो। कितने खुश नसीब है हम अपनी पड़पोती की शादी देखने वाले। मिमी, जब भी आपको अक्षु की याद आए ना, आ जाइएगा, लगे हाथ आपका चेकअप भी कर दूं। अभी बहुत शादियां देखनी है आपको। आओ बेटा, अंदर आओ। एक मिनट। आरोही एक है। डॉक्टर आरोही नहीं, आरोही। और आज आरोही ना ही आपको अंदर जाने देगी और ना ही ये फंक्शन होने देगी। हाँ अभी बेटा, साली है तुम्हारी, साली वाली रस्म निभा रही है। तो बताइए क्या करना होगा अंदर जाने के लिए? वेट, अगर घर में जाना है तो ये बताना होगा कि इस थाल में कितने पताशे हैं। क्या ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर बताशे ही गिनने थे तो पहले बताना चाहिए था। ऐसे दिखा के तुम छुपा थोड़ी ना सकती हो, तो चीटिंग हुई। ऐसे ही होता है। क्यों भैया? ऐसे ही होता है। ये रस्म है, तुम्हें क्या पता। और वैसे भी तुम्हारे लिए अभिमन्यु के लिए स्टे होता। अभिमन्यु बताओ इस हाल में कितने बताशे। ये रस्म तो होती है हमारे यहाँ और करनी तो पड़ेगी। मिमी, आपकी रस्म बहुत डिफिकल्ट है।
तो फिर हार मान लो या फिर जवाब दो, वरना घर में एंट्री अलाउड नहीं है। अगर लड़की वालों की रस्म है तो लड़कों वालों का भी तशन है। अरे वाह, देखा भाई देखा, हमारा जमाई कितना स्मार्ट और एक्टिव है। वेल डन। ऐसे तो ना अक्षी डॉक्यूमेंट बोलती है मुझे। आइए ना, आइए, आप भी आइए। आपका स्वागत बहुत अच्छा लगा, मन को भा गया। आपको अच्छा लगा तो ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा लड़की वाले, याद है ना आपको हॉस्पिटल में कैसे डांटा था, ज्यादा जिद करेंगे तो यहाँ पर आपका जमाई साहब को डांटेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।